हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। भगवंत मान की पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा फैसला, 25,000 सरकारी नौकरियां देगी सरकार। जी हां, पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बड़ा फैसला किया है। कैबिनेट मीटिंग में 25,000 सरकारी नौकरियों पर मुहर लगाई गई है। भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार युवाओं के बीच बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने का वादा किया था। इसमें से 10,000 नौकरियां पुलिस विभाग में निकलेंगी तो वहीं 15,000 नौकरियां बाकी अलग अलग विभागों में आएंगी। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक एक महीने में ये नौकरियां निकाली जाएंगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी के अन्य चुनावी वादों में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति में सुधार करने, रोजगार के अवसर पैदा करने, 300 यूनिट तक फ्री बिजली देने का वादा किया था। 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने देने का भी वादा आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, माँ बाप के जिंदा रहने तक बेटे नहीं कर सकते उनकी संपत्ति पर दावा। जी हाँ, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति से कहा कि जब तक उसके माता पिता जिंदा हैं तब तक वह उनकी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकता। मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस गौतम पटेल और माधव जामदार की बेंच ने कहा कि आपके पिता जिंदा हैं, आपकी माँ जिंदा हैं, आपका उनकी संपत्ति पर कोई हक नहीं है, वो चाहें तो इसे बेच सकते हैं और इसके लिए उनको आपकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी दो शादीशुदा बहनों और मां के साथ याचिका दायर की थी। उसमें उसने मांग की कि उसकी मां को पिता का विधिक संरक्षक नियुक्त किया। उसने बताया कि उसके पिता डिमेंशिया से ग्रसित हैं और बीमारी के कारण उन्हें बार बार अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। बता दें कि वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं और ना ही बोल और समझ पा रहे हैं। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कहा कि माता पिता के नाम पर एक एक फ्लैट है और उसमें उसकी शेयर बिल्डिंग भी है, इस तरह से फ्लैट पर उसका अधिकार बनता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक माता पिता जिंदा हैं तब तक उनकी संपत्ति पर बेटे का कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ बेटा या बेटी होने से आपका मकान पर अधिकार नहीं बनता। आपने एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं दिया है जिससे ये पता चल सके कि आप पिता की परवाह करते हैं। महंगाई भी है एक टैक्स, राहुल गांधी को आशंका, बढ़ेंगे तेल और खाद्य सामग्रियों के दाम, एक्शन ले मोदी सरकार। जी हां, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए आगाह किया कि महंगाई अभी और बढ़ेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से कहा कि वह महंगाई से लोगों की रक्षा करे और तुरंत इस पर एक्शन ले। राहुल गांधी ने कहा कि महंगाई सभी भारतीयों पर एक टैक्स की तरह है। उन्होंने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जो हो रहा है उससे पहले ही कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि ने गरीबों और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि यह महंगाई और बढ़ेगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $100 से अधिक है, खाद्य कीमतों में 22% का इजाफा होने की उम्मीद है, कोरोना ने ग्लोबल सप्लाई चेन को बाधित कर दिया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भारत सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और लोगों की रक्षा करनी चाहिए। दरअसल सरकार ने जो आंकड़ा जारी किया है उसके मुताबिक कच्चे तेल और गैर खाद्य वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होने के कारण खुदरा मुद्रा स्फीति फरवरी में 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.07% पर पहुंच गई। स्वतंत्र देव सिंह और ब्रजेश पाठक का कद बढ़ाएगी बीजेपी, योगी की कैबिनेट में मिल सकता है डिप्टी सीएम का पद। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2 का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को होना तय माना जा रहा है, जहां पर यूपी में इस बार चर्चा डिप्टी सीएम चेहरे की है। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिरकार इस बार यूपी के उप मुख्यमंत्री कौन बनने वाले हैं। चूंकि सूबे में सीएम के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम पर मुहर लग चुकी है, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि इस बार योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका मिल सकता है, जिसमें डिप्टी सीएम की दौड़ में प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक का नाम सामने आ रहा है। दरअसल यूपी की 403 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सहयोगी दलों के साथ मिलकर 273 सीटों पर जीत दर्ज की है।
ऐसे में नई सरकार के गठन और मंत्रिमंडल के चेहरों में सबसे ज्यादा चर्चा केशव प्रसाद मौर्य की हो रही है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। जिस तरह से साल 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के अध्यक्ष रहते बीजेपी सत्ता में आई थी, वैसे ही इस बार स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं। गंगा नदी के पानी को साफ करके बेचने पर विचार कर रही है केंद्र सरकार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनेगी इसकी खरीदार। जी हां, सरकार गंगा नदी से निकाले जाने वाले सीवेज और गंदे पानी को शोधित करने के बाद उसे बेचने के तरीकों पर विचार कर रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही ये शोधित जल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को बेचना शुरू भी कर दिया जाएगा। गंगा बेसिन में लगभग 12,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज उत्पन्न होता है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक डीजी अशोक कुमार ने कहा कि एजेंसी लगभग एक महीने में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को शोधित जल बेचना शुरू कर देगी। हम इस परियोजना को मथुरा से शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड को 20 एमएलडी शोधित जल दिया जाएगा। वहां एक तेल रिफाइनरी है और मथुरा शोधन संयंत्र से शोधित जल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा। देश में पहली बार तेल रिफाइनरी शोधित जल का उपयोग करेगी। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का विस्तार, 10 मंत्रियों ने ली शपथ। जी हां, पंजाब चुनाव में जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में एक महिला समेत आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों को शामिल किया गया। शपथ लेने वालों में वरिष्ठ नेता हरपाल सिंह चीमा और कुलदीप सिंह धालीवाल भी शामिल थे। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने यहां पर पंजाब भवन में मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इन 10 मंत्रियों में से 8 पहली बार विधायक बने हैं। इन सभी ने पंजाबी भाषा में शपथ ली है। हरपाल सिंह चीमा, हरभजन सिंह, डॉक्टर विजय सिंगला, लाल चंद, गुरमीत सिंह मिथेयर, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर, ब्रह्म शंकर जिम्पा, हरजोत सिंह बैंस और डॉक्टर बलजीत कौर को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित 18 पद हैं। बता दें कि पंजाब के राज्यपाल ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। जापान के पीएम फुमियो किशिदा ने भारत को दिया बड़ा तोहफा। अगले 5 साल में होगा $42 बिलियन का निवेश। जी हां, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा 2 दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं, जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले हैं और 14वें भारत जापान शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। कहा यह जा रहा है कि अपनी यात्रा के दौरान पीएम फुमियो किशिदा भारत में $42 बिलियन के निवेश की योजना की घोषणा भी कर सकते हैं। इसकी जानकारी जापानी मीडिया की ओर से दी गई है। किशिदा पद संभालने के बाद से पहली बार भारत यात्रा पर आ रहे हैं। जापानी मीडिया ने बताया कि किशिदा भारत की अपनी पहली राजनयिक यात्रा के दौरान आगामी 5 सालों में भारत में $5 ट्रिलियन यानी $42 बिलियन के निवेश की घोषणा करेंगे। निक्केई एशिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान किशिदा पब्लिक प्राइवेट फंडिंग प्लान की घोषणा भी कर सकते हैं। किशिदा का $5 ट्रिलियन निवेश 3.5 ट्रिलियन से कहीं ज्यादा होगा। इसका वादा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने 2014 में अपनी भारत यात्रा के दौरान किया था। अमित शाह से मुलाकात पर ओपी राजभर बोले, न मैं दिल्ली गया था और न ही मैंने अमित शाह से मुलाकात की थी। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में हार के बाद से समाजवादी पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बीच टूट की खबरें आ रही थी। इस बीच एसबीएसपी के प्रमुख ओपी राजभर ने होली के दिन अमित शाह से मुलाकात की थी, जिसके बाद खबरें और भी तेज हो गई कि ओपी राजभर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि इन खबरों पर ओपी राजभर ने खंडन कर दिया है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने की खबर पर एसबीएसपी के अध्यक्ष ओपी राजभर ने बताया कि ये खबर निराधार है, न मैं दिल्ली गया था और न ही मैं किसी से मिला था। हम स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो हमारे प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर पेरेंटल सुपरविजन टूल्स लाई मेटा, माता पिता को मिलेगा नियंत्रण। जी हां, फेसबुक की ओनरशिप वाले मेटा प्लेटफॉर्म्स ने फोटो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम के लिए नए टूल्स रोल आउट किए हैं। मेटा इस बात का नियंत्रण बच्चों के माता पिता को देना चाहती है कि वे इंस्टाग्राम पर कितना वक्त बिताएं।
कंपनी ने बताया कि क्वेस्ट रियलिटी हैंडसेट्स के लिए भी जल्द ही पेरेंटल सुपरविजन फीचर्स रिलीज किए जाएंगे। इसके साथ ही सोशल मीडिया के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ नियंत्रण माता पिता को मिलेगा और वे बच्चों की निगरानी कर सकेंगे। मेटा ने वादा किया है कि वह अपनी सोशल मीडिया एप्स पर बच्चों की सुरक्षा का खास ध्यान रखेगी, जिसके चलते नए पेरेंटल कंट्रोल्स इसका हिस्सा बने हैं। एक विस्ल ब्लोअर की ओर से कंपनी के इंटरनल डॉक्यूमेंट शेयर किए गए थे, जिनसे पता चला था कि कंपनी को बच्चों पर पड़ रहे इंस्टाग्राम के बुरे असर की जानकारी है। लीक्ड डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई चर्चा के चलते इंस्टाग्राम हेड एडम मोसेरी ने पिछले साल बच्चों की सुरक्षा का भरोसा दिया था। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, 4 साल बाद फिर से लौटेगा एशिया का सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट टूर्नामेंट। जी हां, एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2022 को लेकर अहम घोषणा की है। एशिया कप टूर्नामेंट इस बार 27 अगस्त से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। 4 साल बाद लौट रहा ये टूर्नामेंट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। टूर्नामेंट के लिए क्वालिफायर मुकाबले अगस्त से शुरू होंगे। एशियाई क्रिकेट परिषद ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि एशिया कप 2022 इस साल 27 अगस्त से 11 सितंबर तक श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए क्वालिफायर मुकाबले 20 अगस्त 2022 से खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फॉर्मेट T20 रहेगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। टूर्नामेंट का 2020 में आयोजन होने वाला सीजन कोरोना के कारण रद्द कर दिया गया था। टूर्नामेंट पिछली बार साल 2018 में आयोजित किया गया था, तब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने फाइनल में बांग्लादेश को हराकर खिताबी जीत हासिल की थी। उत्तर प्रदेश में 25 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे योगी आदित्यनाथ, लखनऊ में होगा उनका कार्यक्रम। जी हां, प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में लौटी भाजपा 25 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करेगी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस समारोह में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के कई बड़े बड़े नेताओं के अलावा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी भी शामिल होंगे। विपक्षी नेताओं को भी समारोह का न्योता भेजा जा रहा है। समारोह को सफल बनाने में जुटे हुए अधिकारियों ने बताया कि इसकी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस समारोह में शामिल किया जा सकता है। तो वहीं सूत्रों का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच मंत्रिमंडल को लेकर बातचीत हो चुकी है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। एक या दो स्थानों पर अत्यधिक बारिश संभव है। बता दें कि अंडमान सागर के ऊपर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने के साथ समुद्र की स्थिति बहुत खराब हो सकती है। पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात संभव है। केरल और दक्षिण कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ सकते हैं। आज का सुविचार, महात्मा गांधी ने कहा था, जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सकें। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।